जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वो जीवन के चार चतुष्टयत् धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह जान लें कि जब तक आपको इंद्रियों एवं विषयों का ज्ञान नहीं है तब तक आप उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण करना सरल नहीं है, यह तभी हो सकता है जब आप इंद्रियों एवं विषयों पर विचार करते हैं और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण करने का उपदेश देना सरल है पर उस पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। आप व्यवहार में देखिए बड़े बड़े कथावाचक उपदेशक एवं अध्यात्म का गुणगान करने वाले लोग निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं परंतु स्वयं प्रवचनों के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों से सौदेबाजी करते हैं। इसी प्रकार सादगी का उपदेश देने वाले तथा कथित उपदेशक अपने वातानुकूलित आश्रमों से बाहर निकलकर भी वही सुविधाएं मांगते हैं। देह को नाशवान एवं आत्मा को अमर बताने वाले लोग भी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होते हैं। उनके लिए उपदेश तो अपना प्रभुत्व बनाने का एक साधन मात्र है। अधिकांश लोग सत्संग के बाद भी अज्ञानी होकर जीवन जीते हैं और सुने हुए प्रवचन को व्यवहार में लाते ही नहीं है। जब तक ज्ञान का श्रवण करके उस पर मनन चिंतन करते हुए व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक वह सार्थक कदापि नहीं होगा।